राम से बड़ा राम का नाम, अब यही नाम मेरा और संसार का आधार है। यही नाम इस संसार के संपूर्ण पापों को अंत करेगा। इसी राम नाम को इस संसार में मुझे स्थापित करना है। मेरे प्रभु राम, प्रभु ने कहा था प्रत्येक युग के साथ धर्म का एक चरण नष्ट हो जाएगा और कलयुग के आते आते केवल धर्म का एक ही चरण शेष रहेगा, किंतु राम नाम, राम नाम में सभी पुण्य, संसार के सभी धर्म समाहित हैं। त्रेता युग में स्वयं प्रभु राम ने अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना की है। मेरे प्रभु राम ने, किंतु आने वाले समय में सबकी मुक्ति का आधार बनेंगे मेरे प्रभु राम, सबकी मुक्ति के। मैं समझ गया प्रभु, मुझे मेरा उद्देश्य मिल गया। जिस राम नाम से पत्थर भी पानी पर तैरने लगे, उस राम नाम को मुझे जन जन के हृदय में स्थापित करना है प्रभु, मुझे स्थापित करना है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। असुरों के साथ लड़ना सरल है, पर्वत को लांघना भी सरल है, और तो और पूरी पर्वत उखाड़ कर संजीवनी बूटी लाना भी सरल है, किंतु इस गांव के बच्चों को समझाना सबसे कठिन काम है। कभी इन्हें भयंकर जंगलों में जाके फल खाने हैं, कभी मगरमच्छ वाली नदी में स्नान करना है, तो कभी मेरी पीठ पर सवार होकर दुर्गम पर्वतों की सैर करनी है। प्रभु राम ही बचाए अब मुझे इस गांव के बच्चों से। किंतु एक बात है, इन बच्चों के साथ जीते जीते मैं भी थोड़ी सी शरारत कर लेता हूं, अपना भूला हुआ बचपन फिर से जी लेता हूं मैं। इसलिए तो रहता हूं इनके साथ। मैं मानता हूं इन बच्चों को समझाना सबसे कठिन काम है, पर इनके साथ जीना मेरे प्रभु राम की भक्ति की तरह सरल, सुगम और परम आनंददायी है। मेरे राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें भूल गया हूं, परंतु भूल तो तुम रहे हो अपना कर्तव्य। मानत जल जीवन देता है, लोगों को संकट में नहीं डालता। जाओ मानत, जहां से आए हो लौट जाओ, वहां के लोग तुम्हें ढूंढ रहे होंगे स्नान करने के लिए, भोजन बनाने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए। जाओ। लगता है तुम्हें भय लग रहा है मेरे सामने से जाने में। तो लो, मैं अपनी आंखें मूंद लेता हूं, तुम बिल्कुल निडर होकर चले जाओ। मंगल, वैजंती, देखा तुम लोगों ने, किसी भी समस्या का समाधान युद्ध नहीं होता, बल्कि केवल बातों से बड़े युद्ध को सुलझाया जा सकता है।
अरे तुम तो ऐसे चुप हो जैसे वो महानंद अभी भी गया ना हो। तुम लोगों की बोलती तो ऐसे बंद है जैसे वो महानंद अभी भी मेरे सामने ही खड़ा हो। क्या वो सही में नहीं गए? बड़े हट्टी मालूम पड़ते हो, समझाने पर भी नहीं समझ रहे। तो ठीक है, अब तुम्हें धर्म का सही पाठ पढ़ाना ही होगा। तुम्हारे इस अहंकार को ज्ञान से नहीं, अब अपने गदा से धोना होगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय श्री राम।